ये ऊपर डाली है चॉकलेट। मौसम हो गया यार ये तो, जानिए आपने दिल जीत लिया। अब देख लेते हैं इसकी वेरिएशन कितने, तीन किस्म की तो है, तीन फ्लेवर डाले हुए, वनीला स्ट्रॉबेरी ड्राई फ्रूट भी, कोटा का टच आ रहा था ड्राई। बिल्कुल सही कह रहे, गर्मियों के दिनों में अगर आप लोगों ने रिफ्रेश होना है ना तो ये लाजमी खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है गर्मी का सीज़न कराची में आ गया है, तो गर्मी के सीज़न में आइसक्रीम बहुत खाई जाती है, तो मैंने एक आइसक्रीम की ऊपर वीडियो बनाया जो कि बहुत फेमस और बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम है। मैं आप लोगों को लोकेशन इसकी बता देता हूँ, हुसैनाबाद में मैं मौजूद हूँ। अल मक्का आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत सारे फ़्लेवर्स हैं इनके पास, ज़बरदस्त से यूनिक से फ्लेवर्स हैं, आप लोगों ने ज़रूर आगे ट्राई करना है। और अभी चल के मैं आप लोगों को इसके फ्लेवर भी बताऊंगा, कौन कौन से फ्लेवर थे और कितने के हैं, ये सारी डिटेल भी बताऊंगा। यहाँ जाने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ उसामा भाई से, जो कि हमारे बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं बचपन के। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह भी कोयटा घूम कर आए हैं। कैसे था कोयटा का मौसम ज़रा बताइए? कोयटा का मौसम बहुत औसम था, बहुत ज़बरदस्त था, कोई गर्मी नहीं थी। अच्छा, अब तुम ताना मार रहे हो कराची वालों को, गर्मी है कराची में, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, इसलिए हम आइसक्रीम खाने आए हैं। बिल्कुल, थोड़ा फ्रेश हो जाएगी क्योंकि गर्मी में तो खानी चाहिए ना आइसक्रीम। बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा उसामा भाई, आपको आप देख रहे होंगे इनकी शक्ल, उसामा भाई मतलब एक पड़ाकू बच्चे लगते हैं शक्ल से, इनका भाई जो है ना बड़ा शरारती है, आपने क्या कैसे है भाई अब्दुल्ला भाई? ठीक आप सुनाए? बस अलग, ये बड़े शरारती है अब्दुल्ला भाई। कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम खाएंगे? मैं पिस्ताचू खाऊंगा। पिस्ताचू, अगर वो नहीं हुई तो फिर चॉकलेट खा लेंगे कोई। और उसामा भाई कुछ भी वो खा लेंगे इमरान भाई के साथ। बिल्कुल आइसक्रीम बस जाके अभी देखते हैं कौन कौन से फ्लेवर हैं इनके पास, मज़ेदार थे वो आप लोगों को बताऊंगा और कितने की सारी डिटेल बताऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से ठीक ठाक भाई? कौन कौन से फ्लेवर हैं आपके पास? ज़बरदस्त, हमारे पास वनीला चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल है, मैंगो ब्लूबेरी है। अच्छा, आपकी कौन सा स्पेशल है, मतलब ये आप बोलते हैं ये लाजमी ट्राई कीजिए? हमारे पास स्पेशल ड्राई फ्रूट कौन है जो आजकल यूट्यूब पे भी चल रही है। अच्छा, कौन सी स्पेशल ड्राई फ्रूट कौन? अच्छा, वो कितने की है? 180 की है। और जो दूसरी है फ्लेवर हैं सर, उसके अलावा अलग अलग उनकी प्राइस है, ये देखें, ये देखिएगा भाई, रेगुलर कौन जो है 80 रुपए की है, ओरियो कौन है 90 रुपए की। ठीक है, ये सारे फ्लेवर आपके पास अवेलेबल हैं? मिल जाएंगे। अच्छा, और कौन में मिलती है? कप भी मिलते हैं यहाँ, कप में भी मिल जाएगी, कौन में भी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल फालूदा है। फालूदा वो कितने का है? 200 रुपए का। 200 रुपए का जी। अच्छा जी, सामा भाई क्या खाना चाहते हैं? फालूदा लेते हैं। फालूदा एक फालूदा करते हैं। और आप? फालूदा तीनों फालूदा। अबे भाई रिव्यू देना, तीन चीज़ें अलग अलग मंगवाओ ना यार, अगर फालूदा खाना है तो मंगवा लो। नहीं भाई, दो फालूदा करते हैं और क्रंच नहीं। एक वो जो आपने कौन सी कौन बताई थी, स्पेशल ड्राई फ्रूट कौन? ड्राई फ्रूट कौन, बस एक वो कर दीजिएगा भाई, बस बनाएं शुरू करें। ये क्या चीज़ चल रही है भाई? पहले सर वनीला चॉकलेट, वनीला चॉकलेट हो गई, चॉकलेट में डिप की, ओ चॉकलेट में डिप हो गई, वाह। अब लगेगी चॉकलेट चिप, दिखाएं भाई चॉकलेट चिप दिखाएं, ये देखिएगा भाई चिप लग गई चॉकलेट चिप, और इसके ऊपर आएगा तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, दिखाएं भाई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये देखिए भाई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आ रहा है भाई, ये देखिए ना, वाओ। क्रंच क्रंच ये देखिएगा भाई क्रंच, हाँ ये तो आइसक्रीम का, आइसक्रीम में फ्लेवर का समंदर है, ये देखिएगा टीचर फ्लेवर आ गए हैं कि आइसक्रीम में, क्या कहते हैं आप? ये क्या चीज़ है? स्ट्रॉबेरी सॉस, स्ट्रॉबेरी सॉस, ये क्या है भाई? ये मैंगो फ्लेवर है, ये देखिएगा भाई मैंगो फ्लेवर भी डाल रहे हैं ये, वाह। और नेक्स्ट लगेगा ड्राई फ्रूट जी। अच्छा, इसमें बादाम पिस्ता सब कुछ ही है जी, वाह भाई वाह। अब लगेगा पाइनएप्पल, वाह भाई वाह, ये क्या कर रहे हैं? अच्छा ये आप इसमें, इसके अंदर पाइनएप्पल डलेगा जी, वाह। ये ऊपर डाली है चॉकलेट, मौसम हो गया यार ये तो, जानिए आपने दिल जीत लिया। अब क्या है इसके बाद? इसके बाद टिश्यू लगेगा और खाएंगे आप। अरे वाह, उसामा भाई आपका क्या कहना है इस बारे में?
यार दिखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये, और आप देख सकते हैं इसकी वेरिएशन कितने तीन किस्म की तो है, तीन फ्लेवर डाले हुए, वनीला स्ट्रॉबेरी ड्राई फ्रूट भी, कोयटा का भी टच आ रहा था ताज़ा। बिल्कुल सही कह रहे, कोयटा वाला टच, तुम्हारी तो कोयटा की यादें ताज़ा नहीं हो गई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, फालूदा भी एक दो जी फालूदा हो रहे, तैयार हो रहे हैं जी जी। फाइनली गाइस कितने शानदार तरीके से इन्होंने आइसक्रीम बनाई है, देखिएगा तीन तीन फ्लेवर है इसमें, ये देख सकते हैं आप लोग। और ऊपर जो इन्होंने सबसे मेन चीज़ थी, ऊपर इन्होंने ड्राई फ्रूट डाला ना, मतलब दिल जीत लिया। अब इसका टेस्ट भी आपको के साथ शेयर करता हूँ मैं, ये देखिए भाई, काजू बादाम और फ्लेवर है, ये देखिए, ये तो मैंगो है और नीचे स्ट्रॉबेरी, उसके नीचे वनीला, वाह ज़बरदस्त। ऐसा लग रहा है मैं आम खा रहा हूँ, मैंगो का जो फ्लेवर आ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त है, ऊपर से जो ड्राई फ्रूट भी डाला हुआ है ना, ज़बरदस्त है। यार उसामा भाई मुझे तो बहुत ही मज़े की लगी, आपको कैसी लगी, आप भी ट्राई करें। ट्राई करता हूँ ये, कैसा है? बहुत ही सालिंग, बहुत ही दिलकश उसका फ्लेवर है, और मतलब तीन तीन फ्लेवर डाले हैं और तीनों मतलब से कॉम्बिनेशन जुबान में आ रहा है, तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा से बना हुआ है। बिल्कुल मेन बात ये है, मेन बात ये, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट जो किया है ना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन से देखा जाए आप, बिल्कुल मतलब दिखने में इतना हसीन लग रहा है, तो खाने में तो आपको पता भी कैसा होगा यार। जल्दी जल्दी खाना चाहिए, आप इधर रहे। बिल्कुल, तो फाइनली गाइस आइसक्रीम तो बहुत ही ज़बरदस्त थी, मुझे बड़ा मज़ा आया। उसामा भाई कैसी आइसक्रीम थी, मज़ा आया नहीं आया? आइसक्रीम बहुत ज़बरदस्त है। अब आया हमारे पास फालूदा, अब इसका भी टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फालूदे में जो बादाम वगैरह डाले हुए ना, अगर ये देखेगा भाई सर, ये गिर रहे हैं गर्मियों के दिनों में। अगर आप लोगों ने रिफ्रेश होना है ना, तो ये लाजमी खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। और सबसे मेन चीज़ जो है, इनकी जो सारी चीज़ें हैं ना हाइजेनिक है, मतलब ये कोई ऐसी नहीं कोई लोकल हो, बिल्कुल हाइजेनिक है। खाने से पता चल रहा है कि यार खाने से पता चल रहा है कि भाई ये ओरिजिनल चीज़ है भाई, क्योंकि होती नहीं है कराची में मिलती है, पास तो में स्क्रीन घटी होती है। हाँ बिल्कुल, स्क्रीन नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर जी, खैरियत से? अच्छा व्यूवर, तो माशाल्लाह ये यहाँ के ऑनर है अलमक्का आइसक्रीम के। सर जी आपकी जो आइसक्रीम मुझे तो बड़ी मज़े की लगी, फालूदा भी आपका बहुत ही ज़बरदस्त था, आइसक्रीम भी बहुत ही ज़बरदस्त थी माशाल्लाह, इसका राज क्या है? यार ये अपना म्यार है, अपनी क्वालिटी है, हमारा माशाल्लाह म्यार है अलमक्का का। इसके अलावा भी आप अपने चैनल के अलावा भी नेट पे चेक करें, आपको हमारी बहुत सी वीडियो यानी कि मुख्तलिफ चैनल से मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, नहीं अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसी तरक्की दे। टेस्ट भी सबसे जो मेन चीज़ होती है वो टेस्ट होती है, टेस्ट आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त है। सर टाइमिंग है हमारी, हाँ ये सुबह 12 बजे से दुकान हमारी खुलती है और सुबह 5 बजे हम लोग बंद करते हैं। अच्छा, दोपहर को 12 बजे और सुबह 5 बजे, और उसके बाद समझ लो रात 12-17 घंटे हमारी शॉप खुली रहती है माशाल्लाह। अच्छा हाँ, तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब करीब हम लोग क्लोजिंग करते हैं सुबह के टाइम। अच्छा, तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर हैं इनके पास, बहुत सारी वैरायटी आइसक्रीम में, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आके लाजमी विज़िट करना। मैं आप लोगों को लोकेशन भी दिखा देता हूँ, ये देखिएगा वो जो मेमन फाउंडेशन की गली बता रहे हैं वो देखिएगा, बिल्कुल ये वो गली है, उसके सामने उलान आ गया, उलान के बिल्कुल सामने आ जाएँ ये बाबा रबड़ी, बाबा रबड़ी के बिल्कुल सामने आपको ये नज़र आ रही होगी, ये शॉप है भाई इनकी, सही है, यहाँ पे बैठे हैं, ये देखिएगा ये भाई भी होते हैं, ये भाई भी होते हैं, तो ये लोग बना रहे होते हैं आइसक्रीम। आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे आके विज़िट करना है और आइसक्रीम खानी है, और मुझे भी बताना है कैसी लगी। लास्ट में भी कहूँगा वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, हो सका तो शेयर भी कीजिएगा। अब मुझे नहीं इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा।